तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने एहतजाज किया। मामला क्या है ये जानते हैं अनवर से, बताइए अनवर। जी देखिए, गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और 6 माह से हाउस सीलिंग न मिलने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाज किया है। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जब इंतजामी ब्लॉक में दाखिल हुए हैं तो असातिज़ा बिलखुसूस ख़वातीन असातिज़ा ने मज़ाहमत की और मरकजी गेट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वाइस चांसलर अपने हाथ के अंदर ईंट उठा के लेके आए जिसकी उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की। तमाम ख़वातीन असातिज़ा ने सूरत हाल को भी नाकाम बना दिया। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वफाकी यूनिवर्सिटी के अंदर तैनात है। असातिज़ा रहनुमाओं और पुलिस के साथ साथ पुलिस की निगरानी के अंदर इस वक्त मुदाखलात का अमल जारी है। तमाम असातिज़ा कहना है कि जब तक ये तमाम के तमाम वाजिबात अदा नहीं की जाएंगे उनका एहतजाज जारी रहेगा। वाइस चांसलर से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जामिया उर्दू के अंदर गैर कानूनी तकरारियां हुई हैं, उसके साथ साथ बड़े पैमाने के ऊपर माली बेजाबतियां सामने आई हैं। जब इनके खिलाफ आवाज उठाई गई तो इस दौरान असातिज़ा ने इस बात के ऊपर एहतजाज किया है। तमाम वाइस चांसलर की जानिब से ईंट उठाने के अमल को असातिज़ा रहनुमाओं ने इंतहाई गलत इकदाम करार दिया है। इस वक्त असातिज़ा का एहतजाज जारी है और वाइस चांसलर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अनवर खान।